नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। दोस्तों, पिछले एक साल में भारत ने चीन के मुकाबले इतनी ज्यादा बढ़त हासिल की है कि इसके बारे में चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 14-15 महीनों में पूरी दुनिया बुरी तरह से प्रभावित है चीनी कोरोना वायरस से, और ऐसे में इन्हीं 14-15 महीनों में भारत ने चीन के खिलाफ एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जो अब चीन को पूरी तरह से चुभने लगी है। दोस्तों, जैसा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के आगे चीन कहीं नहीं टिकता, लेकिन दोस्तों अब दुनिया के कई सारे जानकारों का ये मानना है कि भारत ने पिछले एक साल में हिंद महासागर में और दक्षिणी चीन सागर से सटे हुए क्षेत्रों में अपना विश्वास इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि यह अब चीन के विस्तारवादी नीतियों के अगेंस्ट में चीन को खटकने लगा है। और ये दोस्तों चीन को एक तरह से भारत का करारा जवाब है, क्योंकि भारत ने कोरोना काल के दौरान भी अपनी ऐसी विदेश नीति का परिचय दिया है जिसने चीन के पड़ोस में भारत के वर्चस्व को बढ़ाने में अहम रोल अदा किया है। कोरोना महामारी के काल में खाद्य सामग्रियों का सप्लाई करना हो या फिर 2021 में वैक्सीन की सप्लाई करना हो, भारत ने हर जगह चीन को पछाड़ते हुए बहुत ही बड़ी कूटनीतिक बढ़त हासिल की है। यानी कि दोस्तों, जिस कोरोना महामारी में दुनिया ये कह रही थी कि भारत के लिए इस कोरोना में हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, उसी दौर में भारत ने न केवल अपने हालातों को संभाला है बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत चीन से आगे रहते हुए दुनिया की हेल्प की कर सकता है और दुनिया को अपनी वैक्सीन भी दे सकता है। और ये दोस्तों भारत के प्रति दुनिया का विश्वास बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल हुई है। और वहीं भारत ने चीन से घबराए हुए देशों विश्वास का जो बीजारोपण करके चीन के मुकाबले कूटनीतिक मोर्चे पर जो बढ़त हासिल की है, अब भारत की इस बढ़त को चीन कभी भी चुनौती नहीं दे पाएगा, क्योंकि पिछले एक साल में चीन के प्रति विश्वास में जो दुनिया में कमी आई है, ऐसे में चीन व्यापारिक मोर्चे पर कई सारे मुक्त व्यापार समझौतों का फायदा नहीं उठा पाएगा जो वह पहले उठाया करता था। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रति दुनिया में जो विश्वास बढ़ा है, उस बढ़े हुए विश्वास की वजह से ही भारत मुक्त व्यापार समझौतों से बाहर रहते हुए भी जल्दी चीन को व्यापारिक मोर्चे पर कड़ी चुनौती दे सकता है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो देश की सीमा हो या फिर कोई वैश्विक मंच, भारत हर जगह चीन को पटकनी दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या भारत अपनी रणनीतिक और जो विदेश नीति है उसका सही उपयोग कर रहा है? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।